हेलो मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 24 जनवरी 2020 से कर्म फलदाता शनिदेव अपनी राशि में ट्रांजिट करने जा रहे हैं, यानी कि अपनी मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि शनिदेव मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि कर्क राशि और कर्क लगन के लिए 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक का समय कैसा रहेगा और कर्क राशि और कर्क लगन वालों को क्या शुभ रिजल्ट और अशुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोस्तों कर्क राशि और कर्क लगन से शनिदेव 7th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, कि जो आपकी राशि है और जो आपका लगन है वहां से शनिदेव 7th हाउस में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, 7th हाउस से हम जो कुंडली का 7th हाउस होता है, 7th हाउस से हम पत्नी के बारे में विचार करते हैं, विवाह के बारे में विचार करते हैं, पार्टनरशिप के बारे में विचार करते हैं और डेली इनकम के बारे में विचार करते हैं। जो आप डेली इनकम करते हो उन चीजों के बारे में विचार करते हैं। तो दोस्तों, यह समय बहुत अच्छा है कि आपकी जो पत्नी अगर कोई भी कार्य करना चाहती हैं, कोई भी काम करना चाहती हैं, तो यह समय उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो किसी गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहती हैं तो यह समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 22 मार्च 2020 से मंगल ग्रह भी आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे उच्च के। तो दोस्तों, यह समय आपकी पत्नी के लिए बहुत बेहतर रहेगा, और अगर आप लड़की हैं या अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पति को कोई सक्सेस मिल सकती है कार्य क्षेत्र में, डेली इनकम में बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, और अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या कर रही हैं तो यह समय बहुत ही अति उत्तम रहेगा आपके लिए, और डेली इनकम यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको नई चीज़ देखने को मिल सकती है, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके पति या पत्नी, उनमें पहले की अपेक्षा क्रोध यानी कि गुस्सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिद्दी स्वभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और पेशेंस कम यानी कि थोड़े पेशेंस जो है वो कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, 7th हाउस में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वहाँ से शनिदेव जी की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, यानी कि 9th हाउस पे पड़ेगी, जहाँ से हम भाग्य और पिता के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने भाग्य में कोई भी रुकावटें आ रही थी तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके भाग्य के लिए आपको भाग्य में सक्सेस देखने को मिलेगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपको हर एक कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके पिताजी को भी कोई नया काम यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन आपके पिताजी को यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि जो आपके पिताजी हैं उनमें थोड़ी स्वास्थ्य की कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन भाग्य के पर्पज से यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों शनि की 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी, यानी कि 1st हाउस पे पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है, इम्यूनिटी पावर आपकी थोड़ी वीक हो सकती है, आलस्य आ सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले से ही मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी वीक हो सकती है, आलस्य देखने को मिल सकता है और आपको मानसिक तनाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसलिए आप कहीं ना कहीं शनिदेव जी के मंत्रों का जाप करें ताकि आपको इन सब चीज़ों से निदान मिले और आपका जो इम्यूनिटी पावर है, आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनमें स्ट्रांगनेस देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों, शनिदेव जी की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। दोस्तों, 4th हाउस से हम सारी सुख सुविधाओं के बारे में विचार करते हैं, माता के बारे में विचार हम 4th हाउस से करते हैं, और प्रॉपर्टी, वाहन और जो भी लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है वो सब हम 4th हाउस से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ले रखी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या उस प्रॉपर्टी में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यह समय अब आपके लिए बहुत अच्छा है। उस कोर्ट केस में आपको विजय प्राप्त होने के चांस हैं, और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किसी वजह से अगर फंसी हुई है तो उसमें अब आपको निदान देखने को मिलेगा, मतलब यानी कि उससे अब आप बाहर निकल पाएंगे। और अगर आप कोई भी वाहन लेना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी अगर आप इस समय वाहन खरीदना चाहते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछकर ही खरीदें, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर खरीदें, क्योंकि आप किसी लग्जरी आइटम से आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है, और थोड़ा बहुत आपकी माता को यहाँ पे मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नई सुख सुविधाएं देखने को भी मिलेंगी, लग्जरी आइटम्स भी यहाँ पे आपको कुछ नए देखने को मिलेंगे,
प्रॉपर्टी वाहन का आपको सुख मिलेगा, लेकिन आप जो भी चीज खरीदते हैं थोड़ा सा आप अपनी कुंडली को दिखाकर ही खरीदे दोस्तों। दोस्तों यह तो मैंने आपको बताया कि कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए समय कैसा रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके अर्निंग के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, आपके पार्टनर के लिए, अगर आपके पति या पत्नी कोई नया कार्य खोलना चाहते हैं, नया काम खोलना चाहते हैं, डेली इनकम करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। आपकी पति और पत्नी से तालमेल अच्छा बना रहेगा, लेकिन उनके स्वभाव में थोड़ी सी नरम गरम आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी वाहन खरीदना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष से ही पूछकर खरीदें। आप किसी भी प्रॉपर्टी में वाहन में फंसे हुए हैं, किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो उसमें अब आप बाहर निकल जाएंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है दोस्तों। बस आप अपने आलस्य को दूर भगाएं, अपने कर्म क्षेत्र को अंजाम दें, कर्म क्षेत्र में मेहनत करें, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। साथ में अपनी जन्म कुंडली का भी आकलन जरूर करवाएं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक। धन्यवाद।